इधर गाजियाबाद के कौशाम्बी में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के द्वारा 127वें अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें 18 राज्यों से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी यहां पहुंचे। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के आला नेता वो भी यहां बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। पत्रकारों की सुरक्षा से लेकर कई और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और ये कहा कि भारत सरकार जरूर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाएगी। खुद पीएम और गृह मंत्री भी इस मुद्दे पर संजीदा हैं और ये लोग उनसे बात करेंगे। जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और यूपी सरकार की भी जिम्मेदारी की बात इन तमाम लोगों ने की। देखिए केंद्र स्तर पर लेकर और प्रदेश स्तर पर लेकर, क्योंकि सुरक्षा एक प्रदेश का विषय है, लेकिन मैं इस विषय पर चिंतन जरूर अपने गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से भी करूंगा कि हम पत्रकारों को किस तरह सुरक्षा प्रदान करें। और मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि आवाज कहीं दब ना जाए उस डर और भय के माहौल में या असुरक्षा के माहौल में। सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे आदेश हुए हैं जिनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा, उसको क्रियान्वित किया जाने की बात है। प्रेस काउंसिल को मीडिया काउंसिल में परिवर्तन करने की बात है। जो भी यहाँ विषय रखे गए हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत जेन्युइन दिखते हैं और मैं समझता हूं कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारों को निश्चित रूप से गंभीर प्रयास करने चाहिए। दिल्ली एनसीआर में पहली बार देश के 22 राज्यों के पत्रकारों का इतना बड़ा समागम हुआ है। उनके चुनिंदा प्रतिनिधि आए हैं, हमारे फेडरेशन से जुड़े जो लोग हैं, हम बैठ के चर्चा करेंगे कि पत्रकारों और मीडिया की बेहतरी के लिए हम आगे और क्या कर सकते हैं।